नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज मैं मौजूद हूं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड में, चांद प्रखंड के चांद गांव में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अतिक्रमण लगाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे 2 फीट 3 फीट गिराना था वहाँ पे 7-8 फीट गिराया गया है। काफी यहाँ की जनता आक्रोश भरी बातें कर रही है, काफी आक्रोश में है। आइए हम उनसे लाइव जानते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुआ है। बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? मीरा देवी नाम है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि गिराना था 1 फीट केवल भी, परंतु टोटल घर गिर गया है 7 फीट का। तो आपने रोका नहीं, आपने नोटिस नहीं देखा कि आपको कितने का नोटिस मिला है, कितना गिराया जा रहा है? हम रोका, परंतु जो अमीन आई थी गिराने के लिए वो बोल रही थी। क्या नाम था अमीन का? अमीन का चांदनी नाम था। अमीन का चांदनी नाम है? हाँ, चांदनी नाम। हाँ, अमीन का चांदनी नाम था। हम बोले कि 4 दिन बाद को हमको मोहलत दीजिए, आपको जितना गिराना है हम गिरा देंगे, आप ले लीजिएगा जो बिहार सरकार में आपका है। तो कितना दिन पहले आपको नोटिस मिला था? नोटिस तो मिला था बहुत पहले था, फिर भी कल परसों दिन नोटिस मिला। परसों दिन आई, दाग लगाई और कल तुरंत तत्काल में गिरा दी, हमको एको दिन के मौका नहीं दी। आपका सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारा यही मांग है कि हमारा जो गिरा है उसमें से जो फालतू गिरा है उसका हमको मुआवजा चाहिए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, माता जी का कहना है कि गिराना था 1 और 2 फीट, जबकि गिराया गया 7 फीट। आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो दिखाएं यहाँ आकर के, छत पे देख सकते हैं कि यहाँ से कम से कम 7-8 फीट गिराया गया, पूरा रूम इनका नुकसान हो गया है। तो इनका सरकार से अनुरोध है कि इनको जो फालतू गिराया गया उनका मुआवजा दें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार, पिताजी का नाम श्रीनिवराम। तो आपको कैसे कितने दिन पहले नोटिस दी गई थी, इसमें क्या जाती हुआ है आपके संग, क्या दिक्कत हुआ है? इसमें नोटिस हमको मिला था 2 महीना पहले जी, उसके बाद पता नहीं फिर दब गया, कुछ बात ही नहीं हुआ। और फिर हाल में 17 तारीख को आए और दाग लगाकर 18 को तुरंत फिर हाल गिरा दिए, और बोले कि हम बोले कि सर हमको मौका दीजिए 2 दिन का, बोले कि नहीं हमको मौका नहीं देना, हम गिराएंगे। तो इसमें किसका हाथ है, कौन आपको अतिक्रमण में डाला है अप्लीकेशन देकर के? ये राहुल पांडे नाम है, पिताजी का नाम बाचा पांडे, यही है। वो अपने पैन के लिए अप्लीकेशन दिए कि हमारा पैन जाम है, पैन के लिए अतिक्रमण दिए कि पैन खुलवाने के लिए, लेकिन पैन तो हमारे घर से बहुत दूर है, 22 फीट की दूरी है हमारे घर। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि भाई का कहना है कि ये पैन के लिए पूरा का पूरा 2 रूम गिरा दिया गया। क्या नाम बताए उनका? राहुल पांडे। जिन्होंने अतिक्रमण करवाया है उनका नाम है राहुल पांडे। और तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हम लोग का बिना कहे हिचक तुरंत तत्काल गिरा दिए रूम, उसका मुआवजा चाहिए, जो कि हम लोग को 1 दिन का भी मौका नहीं मिला। और सीओ इतना हम लोग पर आक्रोश होकर गिराया जा रहा था, हम लोग से जातिवाद कर रहा है, वैसे टाइप का बात। सीओ ने जातिवाद बात ही कही थी। क्या नाम है सीओ का, कौन है सीओ? योगेंद्र पांडे नाम उसका है, योगेंद्र पांडे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि ये सीओ के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, बिहार गवर्नमेंट के प्रति इनका शिकायत था कि सीओ ने जबरदस्ती घर गिरवाया, 2 दिन का भी मोहलत नहीं दिया, 17 तारीख को नापी करा, 18 तारीख गिरा दिए। जैसा कि कानून भी बताता है कि कुछ ना कुछ मोहलत दिया जाता है क्लाइंट को। और क्या कहना चाहेंगे? और बोल रहा था कि इन लोग का बताइए तुम लोग क्या कर रहे हो, हम कहे कि सर हम लोग मेहनत कर और मजदूरी कर इस घर को बनाया, कह रहा कि आप लोग मेहनत करके इतना बड़ा घर कैसे बना दिया, तो हम कहे सर मेहनत की हम लोग बनाए घर, कहा कि अब हम कहे सर मौका दीजिए हम लोग का जमीन इसमें हम लोग अपने से गिरा देंगे, लेकिन बोला कि हम मौका नहीं देंगे, हम तुरंत तत्काल हम गिराएंगे, हम फोन कर दिए भगवान फोर्स आ रही है, जैसे भी आ रहा है, हम कुछ मौका नहीं देंगे। जैसा कि सुन पा रहे हैं कि ये लोग कितना रोते गिराते रहे, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी गई यहाँ के सीओ द्वारा, और जबरदस्ती मकान गिराया गया। तो इनका सरकार से अनुरोध है कि जो जबरदस्ती इनके साथ किया गया है, ये अपने गाड़ी कमाई से अपना मकान बनाए थे, उस पर इनके सरकार का मुआवजा दिया। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी इन्होंने बताया कि पैन की वजह से इनका घर गिरा है, जबकि आप देख लीजिए, कैमरामैन से अनुरोध कर रहा हूँ कुछ दिखाएं, पैन रोड के इस पार है, पैन रोड के इस पार है और घर गिराया गया है उस पार, दिखाइए एक मिनट, घर इस पार गिराया गया है, आप देख सकते हैं, एक बार घर इस पार गिराया गया है, पैन उस पार है, पैन को लेकर के यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया था। देखिए इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है कि इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं पैन रोड के उस पार है, घर गिराया जाए इस पार, किस बेस पे अनुरोध किया गया और किस बेस पे यहाँ के सीओ ने गिराया,
और क्या कहना चाहते हैं उनके प्रति, कोई एक्शन लेना चाहते हैं सीओ के प्रति? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों एप्लीकेशन देने वाला ही पांडे और सीओ भी पांडे, ये दोनों अपने में दोनों का मिली भगत है कि जबरदस्ती उनको पता लगा क्या। ये तो जबरदस्ती वाली बात जाहिर हो गई कि पैन के लिए जो आवेदन दिया गया पैन रोड के उस पार है और मकान रोड के इस पार गिरा गया है, तो इस बात पे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे ये बताइए। हम यही कार्रवाई करना चाहते हैं कि कम से कम सीओ को यहाँ से कम से कम बदली कराया जाए और जो हम लोग का नया जो गिरा है उसको मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।